वेलकम टू माय चैनल सरसी सर्टी क्लास। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नाउन एंड नंबर, मतलब कि आप सिमिलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसके क्या क्या टाइप्स हैं और उसके बनाने के रूल्स क्या है, हम आपको पूरे एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोग सिमिलर नाउन को प्लूरल नाउन में बनाते हैं। तो सिमिलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या होता है वो जान जाइए। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मतलब जिसकी जिसकी सिंगुलर हो, एक, जैसे अ स्टूडेंट, अ बॉय, अ डॉग, इसका मतलब कि एक छात्र, एक लड़का, एक डॉग। उसी तरह प्लूरल नंबर, इसका मतलब होता है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा, जैसे अ स्टूडेंट्स मतलब कि बहुत सारे छात्र, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के, डॉग्स मतलब बहुत ज्यादा कुत्ते। ठीक है, तो अब हम आपको ये बताएंगे कि सिमिलर से प्लूरल बनाने के क्या क्या प्रोसेस है, कितने तरीकों से आप किसी सिमिलर नाउन को प्लूरल नाउन बना सकते हैं। तो चलिए रूल नंबर वन देखते हैं। देखिए पहला रूल है कि जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे फैन तो फैंस, फ्लैट फ्लैट्स, शर्ट शर्ट्स, हॉर्स हॉर्सेस, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, फ्रेंड फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें सिर्फ एस लगाकर आप प्लूरल बना सकते हैं। चलिए दूसरा रूल देखते हैं कि आप ईएस कब लगाएंगे, उसके क्या क्या टर्म कंडीशन है। चलिए तो देखते हैं ईएस का यूज कहाँ होता है। लेकिन इसके लिए आपको याद करने होंगे कि सिमिलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर आपको एस दिखता है, या एस एस दिखता है, या एस एच दिखता है, या फिर सी एच दिखता है, एक्स या जेड दिखता, तब आप ईएस लगाएंगे। अब देखिए बस इसके लास्ट में एस है तो यहाँ एस लग गया, डबल मतलब एस एस है तो यहाँ पर अब एस लगा दिए, एस एच है एस लग गया, सी एच है एस लग गया, एक्स है एस लग गया, जेड है तो एस लग गया। उसी प्रकार डबल एस का प्लूरल बनाने के लिए एस एस एच तो एस एस एच तो एस 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 तो एस। ठीक है, तो इस तरह से आपको बस थोड़ा याद करने होंगे लास्ट का लेटर एस 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 एच एस सी एच एक्स और जेड। इस तरह आप बस का मैसेज, ग्लास का ग्लासेज, बस बुश का बुशेज, मैच का मैसेज, टैक्स टैक्सेज, टोपाज का टोपाचेज, क्लास का क्लासेज, डिस का डिसेज, ब्रश का ब्रशेज, किस का किसेज बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रूल नंबर थर्ड देखते हैं। देखिए थर्ड रूल में हम आपको दो बताएंगे, एक कॉन्सनेंट का रूल और एक वॉयल का रूल। अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के लास्ट में अगर वाई हो और y के पहले कॉन्सोनेंट हो, y के पहले वॉयल भी होता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगर y हो तो y को हटाकर i s जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। देखिए लेडी, अब यहाँ पर y है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ y को हटाकर i s जोड़ दिया गया। उसी तरह यहाँ आप देखिए y है और y के पहले कॉन्सोनेंट साउंड है, तो y को हटाकर i s जोड़ा गया, सिटीज आर्मी, m कॉन्सोनेंट साउंड है तो y को हटाकर आई एस। उसी तरह लिली, तो y को हटाकर आई एस, बेबी ये b कॉन्सोनेंट साउंड है तो y को हटाकर आई एस, स्टोरी r कॉन्सोनेंट साउंड है y को हटाकर आई एस, फ्लाई जिसमें l कॉन्सोनेंट साउंड है y को हटाकर आई एस, और ड्यूटी इसमें t कॉन्सोनेंट साउंड है तो y को हटाकर ड्यूटीज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि अगर y के पहले वॉयल साउंड हो तो उसको कैसे बनाते हैं। चलिए अब समझ लेते हैं कि अगर y के पहले वॉयल साउंड हो तब हम लोग प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब देखिए प्ले, p l a y, y के पहले a, a क्या है वॉयल साउंड है। अब हम y को हटाकर i e s यहां नहीं लगाएंगे, सिर्फ s लगाएंगे। टॉय, y के पहले वॉयल साउंड है तो y को हटाकर सिर्फ s लगाएंगे। पहले यहाँ पर देखिए y के पहले e जो कि वॉयल साउंड है तो सिर्फ हम यहाँ s रखेंगे। अब y को हटाएंगे नहीं, इससे पहले y को हटाकर i s लगाया जाता था, लेकिन अब y को नहीं हटाएंगे, y के बाद सिर्फ s जोड़ देंगे। p तो पेज, मंकी मंकीज, बे बेज, रे रेज, डे डेज, की कीज। ठीक है, सबका रूल सेम है, आपको बस चेक करना है कि y के पहले कॉन्सोनेंट है या वॉयल। अगर वॉयल है तो की लिखकर एस लगा देंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं।
नेक्स्ट रूल है, अगर किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अब देखिए पोटैटो, POTATO, यहाँ पर लास्ट में ओ है और ओ के पहले टी जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो पोटैटो में ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। बफेलो, ओ के पहले एल है, एल कॉन्सोनेंट साउंड है तो ईएस जोड़कर इसका प्लूरल बनेगा। टोमेटो, ओ के पहले टी है, टी कॉन्सोनेंट साउंड है तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनेगा। मॉस्क्वीटो, ओ के पहले टी है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनेगा। हीरो, ओ के पहले आर है, आर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनेगा। उसरे वीटो, ओ के पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनेगा। तो इस तरह से रूल नंबर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने सीखा कि ओ के पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो कैसे प्लूरल बनाया जाता है। अब ओ के पहले अगर वॉवल साउंड हो तो हम क्या करते हैं। देखिए अगर ओ के पहले वॉवल साउंड हो तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। कॉन्सोनेंट था तो हम लोग ई एस जोड़ रहे थे, लेकिन अब सिर्फ एस जोड़ेंगे। देखिए इसके लास्ट में ओ है, बम्बो, और इसके पहले ओ है, ये ओ वॉवल साउंड हो गया, इस वजह से हमने सिर्फ या एस जोड़कर प्लूरल बनाया। कुकू, देखिए ओ है, उसके पहले वॉवल साउंड है तो कुकू में सिर्फ एस लगेगा। रेशियो, ओ है, ओ के पहले आई है, वॉवल साउंड, तो इसमें सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया गया। स्टूडियो, ओ है, इसके पहले आई जो कि वॉवल साउंड है तो सिर्फ एस लगेगा। उसी तरह वीडियो, ओ के पहले ई है जो कि वॉवल साउंड है तो सिर्फ इसमें सॉरी यार मिस हो गया है, यहाँ स्पेलिंग मिस हो गया। ठीक है, वीडियो में ओ है, ओ के पहले वॉवल साउंड है तो यहां सिर्फ एस लगाया गया। इस तरह से हम प्लूरल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एफ या एफई हो। लास्ट लेटर कॉमन नाउन का याद रखिए एफ या एफई हो तो एफ और एफई को हटाकर भी ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि एफ और एफई दोनों को हटा देंगे और भी ईएस लगा देंगे। देखिए काफ, CALF, एफ है लास्ट में तो एफ को हटा दिया गया, CAL, CAL, और एफ के जगह पर भी ईएस जोड़ दिया गया। उसी तरह वाइफ, इसके लास्ट में एफ ही है तो ये एफ ई दोनों हट जाएगा। वाई सॉरी WIFE, WIVES, थीप, यहां देखिए एफ, एफ को हटाकर भी ई एस, यहां फिर एफ है, एफ को हटाकर भी ई एस, एफ एफ को हटाकर भी ई एस। उसी तरह या नाइफ, यहां भी एफ ई है तो एफ ई को हटाकर भी ई एस, उल्फ एफ को हटाकर भी ई एस। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है कि एफ और एफ ई दोनों वर्ड्स अगर हो तो एफ और एफ ई दोनों को हटा दिया जाएगा और उसके प्लेस पर भी ई एस लगाकर आप इस तरह से प्लूरल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। कुछ सिमिलर नाउन्स हैं जिनके बीच वॉयल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब कि इसको प्लूरल बनाने के लिए उसके जो वॉयल्स हैं बस उसको चेंज कर देंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फुट, तो देखिए इसके वॉयल है ओ, तो इसको हम ई में चेंज करके प्लूरल बना दिए। गूज, यहाँ ओ ओ वॉयल साउंड है, इसको ई में चेंज करके प्लूरल बनाया गया। मैन का मेन बनेगा, इसका ये वॉयल साउंड है, वॉयल इसको ई में चेंज कर दिया गया। माउस में देखिए ओ वॉयल साउंड है, जिसको आई में बदल दिया गया। टूथ, ओ, इसका वॉयल साउंड है, ई में चेंज कर दिया गया। और उसी तरह वुमन में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, मैन, जिस तरह से मैन का मेन हुआ था उसी तरह वुमन का वुमेन होता है। ठीक है सॉरी वीमेन होता है। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसमें सिर्फ आपको वॉयल चेंज करना होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे सिमिलर कंपाउंड नाउन्स होते हैं जिसमें मेन वर्ड्स में आप एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। कंपाउंड नाउन मतलब कि एक या दो वर्ड उसके साथ होंगे। अब किसको चेंज करना है तो चेंज उसको करेंगे जो उसका मेन पार्ट हो। अब देखिए सॉन इन लॉ, तो यहां पर सॉन जो है ये उसका मेन वर्ड है तो हम सॉन में एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे, सॉन्स इन लॉ। उसी तरह अ स्टेप डॉटर,
तो यहां पर डॉटर जो वर्ड है इसका मेन वर्ड है, तो हम यहाँ डॉटर में एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे। उसी तरह स्टेप मदर, तो यहाँ पर मदर इसका मेन वर्ड है, तो यहाँ पर मदर्स में हम एस जोड़ेंगे। अब स्टेप्स में नहीं जोड़ेंगे और यहाँ लॉ लॉ में एस नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, जो इसका मेन वर्ड होगा उसी में जोड़ेंगे। उसी तरह मेड सर्वेंट, तो देखिए यहाँ सर्वेंट मेड वर्ड मेन वर्ड है, तो यहाँ सर्वेंट्स में हम एस जोड़ देंगे। उसी तरह फुट मैन, तो यहाँ फुट में हम एस नहीं जोड़ेंगे, मैन इसका मेन वर्ड है तो मैन का मेन होता है। उसी तरह वॉशरमैन, तो वॉशर नहीं, इसका मैन जो है उसका मेन वर्ड है, वॉशर जो अलग हो गया, तो इसमें हम ई जोड़ देंगे मैन का, जैसे हम लोग पहले पढ़े। तो इस तरह से जब आपको कंपाउंड नाउंस मिले तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मेन वर्ड कौन है, उसी में आप जो एस है या ई एस है या फिर जो भी उसका रूल है वो इंप्लीमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड नाउंस हैं जिनमें दोनों पदों को बदलकर, मतलब कि दोनों जो आपको वर्ड दिए हैं इन दोनों में चेंज इन करना होगा तब प्लूरल बनता है। अब देखिए मैन सर्वेंट, अब यह मैन और सर्वेंट है, तो मैन को आप प्लूरल बनाएंगे मेन, और सर्वेंट को एस जोड़कर सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे तो मेन सर्वेंट्स। उसी तरह वुमेन सर्वेंट, तो इसका वीमेन सर्वेंट्स बनाएंगे दोनों को प्लूरल। उसी तरह मैन डॉक्टर, तो मेन डॉक्टर्स, दोनों को आप प्लूरल बनाएंगे दोनों वर्ड को। उसी तरह मैन टीचर को आप मेन टीचर्स बनाएंगे, ठीक है। मैंने आपको जो मेन मेन रूल्स था वो बता दिया, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के कोई नियम नहीं होता, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो नियम पर एडजस्ट नहीं होते, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, कंप्लीट प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि रूल्स के साथ साथ आपको वो चीज भी पता चल जाए जो रूल्स पर एडजस्ट नहीं होता, उसका एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं। तो आशा है कि आपको आज नाउन एंड नंबर अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।